ऑलराइट, सो करण एंड हाना जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में आप लोग लग रहे हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस गाने के साथ का? Well, इस गाने के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रिहाना के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड नवजीत जो हमारे डायरेक्टर थे, उनकी पूरी टीम के साथ बहुत ही अच्छे से हमने ये 3 दिन का शूट किया चंडीगढ़ के अराउंड, ये सारी लोकेशंस भी थी। एंड आई थिंक हंसते खेलते हुए कब टाइम निकल गया कुछ पता ही नहीं चला, और एक अच्छी वीडियो बन गई जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे ऑलमोस्ट अ मंथ की, क्या हो रहा है, क्या बन रही है ये वीडियो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब निकलेगी। एंड इवेंचुअली जब निकली है तो ऑलरेडी अभी 24 घंटे हुए हैं, करीबन 8 मिलियन व्यूज हो गए, 8.5 मिलियन हमने देखा अक्रॉस द। सो आई थिंक सबका प्यार मिल गया, सो थैंक यू सो मच। रिहाना जी, यस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई एम वर्किंग विद करण फर्स्ट टाइम, एंड वन थिंग आई मेंशन टू करण ऑन सेट आल्सो, आई से अगर किसी को पेशेंस सीखना है ना, वो करण से सीखे, बहुत पेशेंस है करण के अंदर, एंड यस आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम करण, सो थैंक यू करण। अमेजिंग टीम वी हैड, नवजीत ही हैड मेड अ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियो, व्हाट विजुअल्स ही हैड मेड, and thank you Jovin again for giving me amazing song and beautiful song, thank you Bhushan ji. Bahut hi acha experience raha, as Karan mentioned it was 3-day shoot, but humko actually mein nahi pata chala 3 days kahan nikal gaye. I mean we all were like, we all I think got along so well and we were really enjoying it. I think wo aapko video mein bhi dikh raha hoga, it was all, everything was very natural. So yes, we all had really fun and video achhi ban gayi hai, logon ko bahut pasand aa rahi hai, so thank you guys ji. हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? Already first instance के बाद तो I don't think कोई apprehension होना ही चाहिए था, जिस तरह हम लोग मिले उसके बाद तो फिर हंसना खेलना ही था। बिल्कुल। और करण जी, जब ऐसे मैंने आपके बारे में हमेशा लोगों से सुना है, जब आप बिग बॉस में थे, बहुत ही पेशेंस है करण के अंदर, बहुत ही कूल है, जो मतलब जो अंदर से है वही रियलिटी सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सो जब आपके कोस्टार या जब भी कोई भी आपकी इस तरह से तारीफ करता है तो क्या फील करते हैं आप? Well, थोड़ा सा मैं भी मतलब एम्बैरस भी हो जाता हूँ, क्योंकि वो एक ही चीज सब लोग बोल रहे होते हैं, that he's so nice and sweet. So it's a good thing, no? I know, अच्छी भी है, लेकिन थोड़ा सा भी देखो, थोड़ा सा blushing भी होता है. But I think यही, this is how I am. 20 साल हो गए काम करते हुए, and I have always believed, और मैं तो कैमरा के पीछे भी 4-5 साल काम भी किया है, तो हमेशा बस वहीं से ये सीखा है कि you know, I have to just remain very grounded. कभी कोई ऐप नहीं आया कि मैं एक एक्टर बन गया या फिर इतना बड़ा नोन फेस ऑफ इंडस्ट्री बन गया कि घर घर में मुझे जानते हैं लोग, तो वो एटीट्यूड कभी नहीं आया, वो स्टारी टैंटरम कभी नहीं आए, तो ऐसे कैसे ही रह गया मैं बस। So, but I enjoy this. That's a plus point. That's a plus point. That's why people love you. Even audience, that's why I think they love you too. Thank you. That's why people also love you so much. Yes. And now, if ये सब reason है कि अब हम देख रहे हैं 8.5 million अब तक का cross कर चुका है, so क्या feel करते हैं आप इस तरह से music video ऐसे जैसे जैसे growth बढ़ते जा रहा है, million बढ़ते जा रहा है, कल आया 24 घंटे भी अभी I think नहीं हुए हैं। हो गया अब। मैं जी करण एंड निशान की कल evening में video देखी थी, insta story, okay? जिसमें निशा वो सेइंग लाइक ओके, आपको पता है मेरे टैटू की वीडियो पे 1 मिनट में इतने व्यूज हो गए, एंड करण वो शोइंग ऑफ, ओके फॉरगेट अबाउट योर वीडियो, मेरी वीडियो देखो 7 मिलियन क्रॉस कर गया है, सो दैट्स अ फीलिंग ही इज गेटिंग। एग्जैक्टली, मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी इतने सारे व्यूज भी हो जाएंगे हमारे वीडियो को। सो जैसे वो 11 बजे कल डाला, मैंने कहा 1 घंटे में इतने हो गए, फिर उसके बाद 1 बजे तक इतने हो गए, मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मिल रहा है, ये हो क्या रहा है। But the response was amazing. कल से फोन बंद ही हुआ है सबको, भी मैं messages भी reply नहीं कर पाया हूँ, इतनी stories भी share नहीं कर पा रहे हैं हम लोग भी, we have been in touch and you know, T-Series was also sending so much stuff कि हम लोग उसको postings और वो सब भी कर रहे थे, so in that all excitement of course इतना मतलब अभी भी it's sinking in कि अच्छा video इतने views हो गए हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, but बहुत अच्छा feedback आ रहा है, and I think you know, the T-Series team and everybody fantastic. Yeah. जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो millions बढ़ते जा रहे हैं, एंड ऐसा कि सर ने कहा कि बहुत बिजी हूँ, अब मैंने अपना फोन एक भी बार बंद नहीं किया, आप कुछ कहना चाहेंगे? No, same thing with me too. I was traveling continuously. I was traveling. मैं पंजाब में अपनी मूवी का शूट कर रही हूँ, and then for Diwali I went home. So I was continuously traveling, and मेरे फोन पे मैसेजेस आ रहे थे सबको, ये वाली
वीडियो शेयर करनी है, ये अपडेट करना है, सो आई वाज स्टॉपिंग माय कार ऑन द वे, मैं सड़कों पे खड़ी होके वीडियो बाइट्स बना रही थी. सो इट्स लाइक अमेजिंग रिस्पांस वी आर गेटिंग फ्रॉम पीपल एंड एवरीवन. आई थिंक दे लव द वीडियो बिकॉज़ ओवरऑल अगर हम वीडियो की बात करें, वीडियो लुक्स लाइक अ शॉर्ट मूवी, वो एक सॉन्ग की तरह नहीं लगता है. सो उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग द वीडियो. लोकेशंस आर अमेजिंग एंड देन एक्टर्स आर अमेजिंग ऑफ कोर्स. So yeah, so we are like really really grateful to people that they all are giving us so much love. So abhi ek hi din hua hai, so let's see how it goes. Ji, wo karte chalenge aur millions se ji. I wish ki ye 100 million cross ho jaye. एंड जब भी करण है कि हाना जी, जब भी टी सीरीज के साथ में एसोसिएशन होता है तो क्या फीलिंग होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? वेल, मैंने करीबन 5 वीडियोस करी थी आज से 15 साल पहले, जिसमें से तीन टी सीरीज के साथ थी. सो आई हैव स्टार्टेड माय फर्स्ट करियर में कुछ, मैंने जो पहली चीज करी थी वो टी सीरीज के साथ थी एक्चुअली. एंड तब मैं नोएडा में था ऑफ कोर्स, सो जसवंत जी वहां पे थे. आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज जस्ट व्हाट 20 समथिंग, नॉट इवन 21 होने वाला था. 21 पे आई डन माय सेकंड वीडियो. वाओ. सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. पहली बार कैमरा के आगे 300 लोगों के सामने, कभी स्टेज पे गया नहीं, कोई कुछ एक्टिंग स्कूल में करी नहीं. ओह रियली? नथिंग. ओके. नो ड्रामेटिक्स, नथिंग. ओह माय गॉड. एंड सीधा वहां से मेरा करियर की शुरुआत एक्चुअली मेरी टी सीरीज से शुरू हुई. ओह वाओ. तो पहली म्यूजिक वीडियो मैंने वहां से की, फिर उसके बाद कुछ और हुआ, फिर उसके बाद कुछ और हुआ. सो ऑफ कोर्स टी सीरीज के साथ एक नाता तो बहुत पुराना मेरा जुड़ा हुआ है. एंड टुडे आई हैव कम बैक टू एन अमेजिंग वीडियो शॉट विद देम. सो काफी मेमोरीज और काफी लंबा और पुराना एसोसिएशन. So I think same with me. हमेशा से T series के साथ जो भी मेरी association रही है, it was always amazing. My first Bollywood launch was with T series, which was History 4. And उसके बाद मेरी आशिकी we did with T series. And this is the third video. In between I did one Punjabi video with Navinder. Long time back, that was before History 4. So that was the first time I worked with T-Series. So we have amazing relations and I think T-Series, they always have been really, 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 you know, amazing. And they have given me beautiful stuff. And this is the third video I'm doing with T-Series. But yeah, it's always been fun and it's always been really, really amazing experience working with T-Series. So thank you, T-Series. And I think already as a brand, T-Series, you know, when they do stuff, एक लगता है कि उस लेवल की चीजें भी होने वाली हैं. सो कहीं ना कहीं द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज कि अच्छा टी सीरीज का वीडियो है. ऑफ कोर्स अ वेरी डियर फ्रेंड शाहिद, सो ही वाज कन्विंसिंग मी कि नो यू हैव टू डू दिस एंड ओके लेट्स डू दिस. एंड ऑफ कोर्स पता चला 3 दिन का शूट है भैया. 3 दिन का शूट है मतलब ये तो कुछ लेवल पे करने वाला. एग्जैक्टली. सो यू नो वीडियोस मोस्टली 1 दिन में शूट हो जाते हैं. एग्जैक्टली. 3 डे शूट, 3 डेज, मतलब इट इज लाइक एन एक्सटेंसिव शूट. बहुत अच्छे से शूट होने वाला है. पहले जो चीजें बताई जाती है ना, सो इट्स लाइक दैट. देन ऑफ कोर्स जुबिन द वॉइस बिहाइंड द सॉन्ग, आई थिंक जुबिन इज एक्सीलेंट. तो जब गाना भेजा गया तो यू हर्ड इट एंड देन आपके ज़हन में थोड़ा होने लगता है, फिर लगता है कि यार ये तो अलग है थोड़ा गाना. यू नो इट्स नॉट द रेगुलर जो आजकल चल रही है चीजें. डिंचैक डिंचैक भी बहुत हो रहा है. मतलब एक वो होता है ना कि कल से मुझे ये फीडबैक आ रहा है, आई थिंक यू विल आल्सो एसोसिएट विद दैट, कि इसके जो वर्डिंग्स हैं ये थोड़ा जुबान पे बैठ हैं और बहुत ही रोमांटिक. हाँ, रोमांटिक सैड, यू नो, जस्ट काइंड ऑफ अ स्टोरी, छोटी सी फिल्म स्टोरी है जैसे यहाँ ने कहा. तो एक वो रिलेशन बन रहा है, एक वो आपको जहन में वो गाना बार बार आप चलाना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में. या फिर बिकॉज ऐसे आजकल हम वर्डिंग्स कहाँ हमारे मुंह पे चढ़ते हैं, कुछ तो याद भी नहीं आजकल. एग्जैक्टली. ऐसा कोई सॉन्ग अभी बहुत टाइम से आया भी नहीं. So, इसीलिए आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन एंड सडनली, यू नो, आफ्टर ऑल दैट म्यूजिक व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड सडनली इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग एंड इवन डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो. सो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल आल्सो लाइकिंग इट. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अमेजिंग मेमोरीज. जी जी. या ये बहुत सारी मेमोरीज है, उसके बारे में पूछोगे तो जी बिल्कुल. उसके बारे में हम अलग से थोड़ा सा उसके बारे में बात डेफिनेटली करेंगे. लेकिन अगला मेरा यही सवाल था कि इस वीडियो में जितना मैं देख रहा हूँ कि एक स्टोरी के साथ साथ में, जैसे कि जैसा लग रहा है कि 10 मिनट या 5 मिनट का ही है, लेकिन ऐसा हम एक फिल्म देख रहे हैं. फिल्म के साथ साथ में गाना वो एंड जिस तरह से एंडिंग होती है, जिस तरह से एक दूसरे को धो वो तो बेवफा वो भी बात करेंगे. तो ये बताइए कि इस तरह से जो प्रेजेंट किया गया है
कि एक स्टोरी के साथ में प्रेजेंट किया, लेकिन आजकल के जो हम गाने देख रहे हो डायरेक्टली हिप हॉप टाइप्स के स्टार्ट हुए, लेकिन इसमें एक स्टोरी के साथ में स्टार्ट किया गया, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देन उसके बाद बेवफा की बात करेंगे, तो पहले तो ये स्टोरी के साथ में जो स्टार्ट किया गया, स्टोरी लाइन बहुत ही प्यारी थी। तो दिखाया ये गया है कि मैं एक एस्टैब्लिश सिंगर हूं जो वापस आया है अपने गुरुजी से मिलने के लिए, एंड वहां पे उनका बेटा होता है, एंड देन आयत बाहर आती है। सो इनके साथ ये एसोसिएशन था कि जब मैं इतना फेमस नहीं था, जब मैं गाना गाता था वो डांस किया करती थी, तो हम दोनों की एक लव स्टोरी वहाँ थी, एक दूसरे को चाहते थे और रोमांस हमारा चल रहा था। बट सडनली जब गुरुजी का बेटा आता है तो वहाँ से थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है, एंड वो एक ही टाइम पे शी इज लाइक काइंड ऑफ विद बोथ ऑफ अस, एंड शी इज काइंड ऑफ विद बोथ ऑफ अस, या शी इज काइंड ऑफ टाइमलेस, तभी तो बेवफा बनी बेवफा। सो तो वो फिर वहां से कहानी घूमती है, एंड देन वो देख लेता है एक दो बार कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है दोनों के बीच में, एंड देन शायद वो कहीं ना कहीं वो चीज को सीमेंट करके सोचता है कि मैं निकल जाता हूँ, एंड ये वहां से फिर इवेंचुअली जो ताबीज होता है निकाल के फेंक देता है, इसकी दी हुई जो ताबीज होती है कि अब टाइम आ गया है निकलने का, और फिर ये कुछ बन के वापस आता है। सो वही वो इट्स लाइक अ फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट, एंड उसके बीच में स्टोरी चलती है, इवेंचुअली वो बस देखता है कि ठीक है नाउ यू आर विद हिम, बट कभी-कभी ऑफ कोर्स तुम्हारी याद आती है, बट ऑफ कोर्स बेवफा तुम्हारा मन सुन जाए। इहाना जी ऐसे बेवफा सुनना पसंद करती हैं आप? सी करण जैसा कि वीडियो में भी देखा, नहीं इन कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, आई मीन ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ कैरेक्टर, ऑफ कोर्स इट्स अ कैरेक्टर, एंड बेस्ट पार्ट व्हेन आई स्पोक टू नवजीत जब हम ये सॉन्ग को फाइनलाइज कर रहे थे, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने देखा, उन्होंने मेरे को पूरा स्क्रीन प्ले लिख के भेजा, सो आई वाज लाइक यार लिटरली आई मीन फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई अंडरस्टूड यू नो इट्स नॉट लाइक अ म्यूजिक वीडियो, and I always like the character जिसमें performance होती है, जिसमें you can show your performance, you can show your expressions, right? So when I saw and when I actually read that whole script he had sent me, okay, ये character का नाम ये है, यहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है, I was like you know it was actually I was having the feeling that okay I'm doing some like short movie, so and then of course the way he has elaborated all the characters, जो मेरा character है, so it's like doing classical first time on screen, so I was like really happy, okay मेरे को कुछ different करने को मिल रहा है, so I was really happy about that, and the Muslim look they have given me, so that was okay, also I was very happy because I always wanted to play that character because mostly people they say that okay I look little Muslim for my face structure maybe, so I think Navjeet ne jo character choose kiye I think it was very good, mera character unhone as a Muslim girl unhone choose kiya, Karan ka character is a classical singer, when he's sitting on harmonium and singing a song you can actually feel that that's a real character, you know wo sare characters mein real lag rahe hain, all the movements are looking very real, so that's why I think music all the whole video has come out very beautifully, and agar abhi aapne jo mere se question pucha bewafa mere ko sunna acha lagta hai ki nahi lagta hai, so for me since yesterday all my friend circle and everyone okay of course after seeing the video they've been calling me, they say you know inhone T-series ne kya aapko dekh ke ye gana banaya, I mean, what do you mean? I do a little bewafa. They said no. It's you know the whole line goes very well. It's like bewafa. Tera masoom chehra, you know. So a lot of people, even all my followers and everyone, they have started sharing their experience with me. जो उनके साथ पास में हुआ है, जैसे उनके साथ ये वाला यू नो हार्ट ब्रेक हुआ था, वो वाला हार्ट ब्रेक हुआ था, दे हैव स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन इट, दे हैव स्टार्ट मेकिंग रील्स ऑन इट, सो आई थिंक लोगों की लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, सो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल आर यू नो रियली गेटिंग अटैच्ड टुवर्ड्स द वीडियो एंड टुवर्ड्स द सॉन्ग, एंड इट्स वर्किंग वेरी वेरी वेल, सो एंड देन जुबिन की आवाज ऑफ कोर्स, उसने जिस जैसे ये वाला गाना गाया फॉर जुबिन आल्सो इट्स वेरी डिफरेंट सॉन्गर का सॉन्ग राइट, सो द वे he has sang the songs, it's like you can actually you know aap kho jaate ho video ke andar, so which is I think best part about the video because aap characters hai uske andar jo aap unke andar kho jaate ho, so I think that's the best part about the video also. करण जी आपके थोड़ा लुक के बारे में जानना चाहेंगे, बियर्ड में हमने आपको देखा है एंड जिस तरह से पूरा गेटअप है जी, सो इसमें थोड़ी लुक भी बहुत अलग थी मेरी, and I think the costumes were looking also very good. Yeah. So Shruti has done Shruti, right? Yeah, Shruti has done an amazing job actually.
ये आपका सवाल नहीं खत्म होने वाला। हाँ मतलब कितने, चलो फिर से रिपीट करो, थर्ड टाइम। So Swati has done an amazing job dressing us up. Shruti. So Shruti had done an amazing job dressing us up. मतलब हमारी पूरी वो मुस्लिम लुक जो थी, तो कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। I was given some kurtas and pajamas and stuff like that. And जो दाढ़ी थी, of course I was growing it for my पंजाब का जो शो है, जी पंजाबी के लिए। So जब कॉल यहाँ से आया कि आपको क्लीन शेवन ही लुक में मतलब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने उनको बोला मेरे पास दाढ़ी है, सो एंड मुस्लिम लुक है, तो फिर तो अच्छा ही लगेगा, यू नो, दाढ़ी के साथ। सो और एक अलग लुक भी हो जाती है, बिकॉज़ पीपल हैव बीन यूज्ड टू सीइंग मी क्लीन शेवन ओनली। But it was going very well with the character. Yeah, I think it was looking very nice actually. And वो एक अलग लग भी रहा है कि you know you're in that character. Yeah. So I think that suited well. And eventually जब अपने शो के लिए गया तो वहां पे दाढ़ी कटवा दी। So then it became like this. तो मैं ये बन गया हूँ उसमें, सिंगम बना हुआ आजकल। So पंजाब पुलिस। And so that was the look, but I love the look, and we have been styled very nicely. So, yeah. And we are looking good also. मैं तो बिल्कुल नहीं देख रहा, मुझे कुछ नहीं पता ना उसका पहला ना उसका, बिकॉज अपने टाइम पे भी जब मैंने किया था उससे पहले भी नहीं मुझे पता था कि क्या होता था ना बाद में, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज शूटिंग। आई हैव नो क्लू राइट नाउ, आई थिंक सेम हियर, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स आई बीन कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग, सो मैंने तो टीवी नहीं देखा, सो या आई डोंट थिंक सो, आई हैव नो क्लू अबाउट, मेरे घर में टीवी है लेकिन केबल नहीं है, नेटफ्लिक्स होता है। So yeah, I haven't watched it. So yeah, I really can't comment on that. Or good for you? बस यही कहना चाहेंगे कि प्लीज आप इसे देखिए, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड टी सीरीज का जो ये गाना है बहुत, इसे आप आगे बढ़ाइए और हमें प्यार करते रहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ और नया जल्दी से करें साथ में, ताकि ऐसी कुछ सीरीज बन जाए कि हमारा जो एसोसिएशन है मतलब टी सीरीज के साथ, और हमारा कुछ अच्छा हम लोग और नया भी करें आगे। Guys, I think I've been saying that, okay, thank you so much, first of all, already crossing 8 million. So thank you so much for so much love, and you guys always have given me so much love. And you, I think all the, you know, what comments I'm getting from everyone, that they really like the chemistry. And yes, this was the chemistry, like we actually got along very well. So yeah, same thing I'll say to you guys, please keep on showering your love on us, and subscribe to TV, and thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you so much.